आज अखबार के एडिटर के मर्डर का केस आज है। तुम्हारा क्या ख्याल है, कातिल उमेश को 7 साल की सजा मिलेगी या उमर कैद की सजा होगी? डीके शर्मा कोई मामूली आदमी नहीं है, उसके रिश्तेदार उमेश को फांसी दिलवाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। मगर एडवोकेट सानी के किसी भी क्लाइंट को आज तक सजा हुई है? देखना उमेश को बाइज्जत बरी करवा कर रहेंगे, उन्होंने जिंदगी में कोई भी केस हारा नहीं है। लो नाम लिया और एडवोकेट सानी साहब भी आ गए। बेटा, मेरे बुढ़ापे का और इन बच्चों का एक ही सहारा है, मेरा बेटा उमेश। मेरे बेटे उमेश को बचा ले बेटा। आपकी फीस देने के लिए हमारे पास सिर्फ ये घर के कागजात है, इन्हें रख लीजिए और मेरे सुहाग को बचा लीजिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। उमेश बच जाए तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरी फीस मिल गई। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मकतूल एडिटर बीके शर्मा मर्डर केस की तफसील मैं अदालत के सामने एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। इजाजत है। मिलॉर्ड, लास्ट वीकली के एडिटर बीके शर्मा का मुल्जिम उमेश के साथ झगड़ा हुआ। मुल्जिम उमेश ने सारे स्टाफ के सामने बीके शर्मा को कत्ल कर देने की धमकी दी और सी रात ठीक 9 बजे मुल्जिम उमेश ने मकतूल के घर पहुंचकर एक तेज धार वाले चाकू से उसका कत्ल कर दिया। इससे पहले कि मुलजिम मौकाए वारदात से फरार हो, पुलिस ने मौकाए वारदात में पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। योर विटनेस। मिलॉर्ड, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 9:15 पे हुआ। एम आई राइट? यही तो मैंने कहा है मिलॉर्ड, कि उमेश मकतूल के घर 9 बजे पहुंचा और कत्ल 9:15 पर हुआ। लेकिन मिलॉर्ड, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक जब मुलजिम को मौकाए वारदात से गिरफ्तार किया गया था उस वक्त रात के 10 बजे थे। क्या मेरे फाजिल दोस्त से बता सकते हैं कि मुलजिम लाश के पास 45 मिनट तक क्या करता रहा? मिलॉर्ड, शायद वो पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था कि पुलिस आए और उसे गिरफ्तार करे, है ना? लेकिन मिलॉर्ड, जिस समय उमेश गिरफ्तार किया गया था इसके हाथ में खून लगा हुआ था और चाकू पर इसी की उंगलियों के निशान थे। और ये निशान कैसे आए मैं बताता हूं। मिलॉर्ड सुनिए, मखदूल ने मुलजिम उमेश को किसी वजह से अपने घर पर बुलाया था। रात 9 बजे जब मुलजिम उमेश उसके घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। उमेश जाकर उसके ड्रॉइंग रूम में बैठ गया। काफी देर इंतजार करने के बाद जब मखदूल ड्रॉइंग रूम में नहीं पहुंचा तो उमेश उसे ढूंढने के लिए उसके बेडरूम में चला गया। और जैसे ये बेडरूम में पहुंचा मिलॉर्ड, तो ये देख के ये घबरा गया कि सामने ही मकतूल की लाश पड़ी हुई थी। ठीक उसी वक्त इस बेचारे के सर पर किसी ने पीछे से वार किया और ये बेचारा बेहोश होकर गिर पड़ा। जब इसे होश आया मिलॉर्ड, तो इसके हाथ खून से रंगे हुए थे और एक हाथ में चाकू था। यह हड़बड़ा के उठा और जैसे ही बाहर पुलिस को खबर देने के लिए बाहर पहुंचा तो सामने से पुलिस आ गई मिलॉर्ड, और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक बात नोट की जाए मिलॉर्ड, पुलिस की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब उमेश गिरफ्तार किया गया तो ना ही तो इसके जेब से कोई रुपया निकला जिससे कोई चोरी की शुबा हो, और ना ही कोई ऐसी चीज निकली जो इसे कातिल ठहराए। लेकिन मुलजिम उमेश ने बहुत सारे लोगों के सामने बीके शर्मा को कत्ल करने की धमकी दी थी। धमकी दी थी? हां, धमकी दी थी, लेकिन सिर्फ धमकी दी थी, कत्ल नहीं किया। मेरे दोस्त, आपने आज तक अदालत में कोई ऐसा चश्मदीद गवाह या ठोस सबूत पेश नहीं किया जो यह साबित कर सके कि उमेश गुनेगार है। सारी दुनिया जानती है मिलॉर्ड कि यह बेचारा कटहरे में खड़ा हुआ उमेश, जिसने आज तक एक चीटी नहीं मारी, वो भला एक इंसान का कत्ल कैसे कर सकता है? इसीलिए मिलॉर्ड, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि उमेश को बेगुनाह मानकर इसे बाइज्जत बरी किया जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि इस केस का एक चश्मदीद गवाह यहां मौजूद है। मैं उसे अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। आपको पूरी इजाजत है।
जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारा नाम? जी जय, जय कुमार। इन्हें पहचानते हो तुम? जी हाँ, मैंने इन्हें देखा है। कब और कहाँ? जी 28 जुलाई की रात को एडिटर बी के शर्मा के घर। उस वक्त तुम कहां थे? इत्तेफाक की बात है कि मैं अपने बालकनी में खड़ा था जो बिल्कुल एडिटर बी के शर्मा के बंगले के सामने है। मैंने देखा इन दोनों के बीच आपस में वार्तालाप चल रही थी, बातों ही बातों में इनका झगड़ा शुरू हुआ और फिर आता भाई। थोड़ी देर में इस आदमी ने अपनी जेब से चाकू निकालकर एडिटर का खून कर दिया। योर विटनेस प्लीज। तो यह कत्ल आपकी नजर के सामने हुआ है? जी हां। तो आपने इससे पहले अदालत में गवाही क्यों नहीं दी? शरीफ आदमी कोर्ट कचहरी जाने से डरता है, लेकिन जब मैंने देखा मेरे चुप रहने से यह आदमी फांसी के तख्ते से बच जाएगा, ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने। हाँ हाँ, तो आपने मुलजिम को बीके शर्मा के पेट में चाकू उतारते हुए देखा? जी हाँ। वो चीखा तो होगा? जी हाँ वो चीखे थे। तो फिर किसी और ने उसकी चीख क्यों नहीं सुनी? वो चीख तो मैंने भी नहीं सुनी थी। क्यों? क्योंकि ठीक उसी वक्त ऊपर से एक प्लेन गुजरा था जिसकी आवाज से बीके शर्मा की चीख दब कर रही थी। चलिए मान लिया कि आपने मुलजिम को बीके शर्मा के पेट में चाकू उतारते हुए देखा, उसके चीखने की आवाज सुनाई नहीं थी क्योंकि ऊपर से प्लेन गुजर रहा था, लेकिन शायद आप जानते नहीं कि मुलजिम कत्ल के 45 मिनट के बाद गिरफ्तार हुआ है। उन 45 मिनटों में वो क्या कर रहा था? क्या वो कत्ल करने के बाद आराम कर रहा था, या फिर से थम्स अप निकाल के पी रहा था, या फिर बगीचे में गुलाब का फूल सूंघ रहा था? क्या कर रहा था वकील साहब? नहीं, चाकू के वार के बाद घायल बी के शर्मा इस आदमी पर झपटा। ये आदमी पास रखी अलमारी से जा टकराया और अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ एक गुलदस्ता इसके सर पर आकर गिरा। शायद उस वक्त तक बी के शर्मा अपना दम तोड़ चुके थे और यह आदमी भी गिर पड़ा। तो फिर आपने क्या किया? पहले तो मैं घबरा सा गया, फिर समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, लेकिन फिर ख्याल आया मुझे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। मैं दौड़ कर गया पब्लिक फोन के, वहां जाके पुलिस को फोन किया और वहां सब कुछ बता दिया, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। और जब लौटा तो देखा ये मुजरिम दौड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी। That's all. आप जा सकते हैं। थैंक यू माई लॉर्ड। सरकारी वकील की सारी दलीलों और जय कुमार की गवाही से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम उमेश ने अपने होश और हवास के साथ एडिटर बी के शर्मा का कत्ल किया है, लिहाजा यह अदालत मुलजिम उमेश को कातिल मानते हुए दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग टिल डेथ। वंडरफुल जय, जस्ट वंडरफुल, वंडरफुल। मैंने तुम्हें जैसा समझाया था उससे भी बढ़िया एक्टिंग की तुमने। तुम्हारी झूठी गवाही से फोटोग्राफर उमेश की जिंदगी का कनेक्शन कट गया। लवली एक्टिंग। एक्टिंग तो सॉलिड करेगा ना सेठ, उसी की तो खा रहे हैं और पी भी रहे हैं। मामो, मैंने जिमी सेठ को बोला, जिमी सेठ को बोला कि जैसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ झूठ बोलने वाला कलाकार आखे मार्केट में नहीं मिलेगा। गुड। मेरे हाथ के नीचे काम किया है ना। ओह रियली? नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या? आई एम सॉरी, लगता है
आज से हमारा और तुम्हारा कनेक्शन फिट हो गया। थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। खाली तारीफ ही करोगे क्या सेठ? चल माल ढीला कर। हम बिजी हैं, दूसरा केस का भी डिस्कशन करना है। खिसा खाली करोगे या नहीं? खिसा खाली? यू मीन मनी? मामो। ओके ओके सेठ, कोई भी कभी भी लफड़ा हो, रेप मर्डर चोरी डाका, किसी की झूठी गवाही देनी हो तो इधर मामू से मिल लेना, कमीशन दे दूंगा। कमीशन नहीं, कनेक्शन। कनेक्शन कनेक्शन। ए मेरी कमीशन देना देना देना। मामो ये ले, और ऐसा सॉलिड पार्टी लाना, कोई भिखारी लोग को उठा के मत लाना, समझे? अरे कल बहुत बड़ी पार्टी आ रही है, कल बैठकर झूठ बोलने की प्लानिंग करनी है। नहीं बाबू नहीं। नहीं, अपना 8 दिन का छुट्टी है, अपन जा रहे हैं। राम राम। अरे ए सुनना, ए राम राम मामो। ए सुन, मुझे मालूम है कहां गया होगा। से आज तक मैं दौड़ता रहा, दो रोटियों के खातिर झूठ बोलता रहा, बचपन
बचपन से आज तक मैं दौड़ता रहा, दो रोटियों के खातिर झूठ बोलता रहा, मांगा जो मैंने प्यार नफरत मिली, सच बोलने चला तो गुर्बत मिली। आजकल हर जगह है झूठे का बोलबाला, दुनिया ने मारी ठोकर शराब ने बिगाड़ा, मैं आवारा बेसहारा फुटपाथ ने मुझको पाला, दुनिया ने मारी ठोकर शराब ने बिगाड़ा, दुनिया ने मारी ठोकर शराब ने बिगाड़ा। गुटी बबलू आंटी आ गई, आंटी आ गई, आंटी आ गई। देखो देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। अब हमारी मिठी माँ। बेटी तू आ गई? हाँ माँ, जैसे ही एग्जाम्स खत्म हुए हॉस्टल की कैद से आजाद होकर सीधी चली आई अपनी माँ और भाभी से मिलने। अरे आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? समझ गई, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस बार हॉस्टल जल्दी ही चली जाऊंगी, लेकिन भाभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी भैया से कहकर इसी शहर में एडमिशन करवा लूंगी। कहाँ है भैया? अरे भैया कहाँ है? गाड़ी का जेल में। क्या? हाँ उन्हें तो फांसी की सजा हो गई। भाभी ये मैं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ सरिता, ऐसा ही हुआ। उस आदमी की झूठी गवाही ने मुझे खूनी साबित कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की मगर मेरी सच्चाई को झुठला दिया गया। मैं जानती हूँ भैया कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मैं कानून को तुम्हारी सच्चाई का आईना दिखा कर रहूंगी। कानून नहीं देख पाएगा सरिता, क्योंकि वो अंधा होता है। लेकिन बहरा तो नहीं होता, कौन है वो झूठी गवाही देने वाला? उसका नाम जय है। जय? वो सामने काले कपड़े वाला बैठा है ना, उससे जाकर पूछो। सुनिए। कौन है? सुनिए मुझे जय से मिलना है। एक और बिरयानी ला। बैठी ना, बैठी। बोलो क्या केस है? केस? कैसा केस? समझ गया समझ गया, तो आप सब जय को बताना चाहती हैं, लेकिन जय तक पहुंचने से पहले आपको मामू को मिलना पड़ेगा। ये मामू कौन है? मामू कौन है? आप मामू को नहीं जानती? नहीं जानती? इसका मतलब आप कुछ नहीं जानती। आप जो भी केस लेकर आई है ना, उसे मामू बचता नहीं है, यू सॉल्व कर देगा। पर ये मामू कौन है? हाँ मामू, आपकी बिरयानी। अच्छा तो आप मामू हैं? इतनी देर से क्यों नहीं बोलते कि आप मामू हैं? वो क्या है, जो बड़े और स्टैंडर्ड के लोग होते हैं ना, वो अपना परिचय खुद नहीं कराते। देखिए मुझे जैसे बहुत जरूरी काम है। जय? वो क्या चीज है? हैं? अरे जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए उसे झूठ बोले। अब मुझे बताइए, मैं आपका केस हैंडल करूंगा। अरे आपको नहीं मालूम मेरे भी क्या दिन थे, जब मैं झूठी गवाही देता था ना तो जज रोता था और वकील लोग सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ते थे, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। शट अप, मैं आपसे जय के बारे में पूछ रही हूँ, मुझे बताइए जय कहाँ मिलेगा? वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? वो छुट्टी पर है। छुट्टी पर? हाँ, वो क्या है कि उसकी जेब है गरम, इसलिए वो ठंडी जगह पर गया है।
अपने छमिया को लेकर। बेशरम। जमिया आ गया अपना गरीब खाना।
अपन चलते हैं। ए चिकने, फिर कब मिलेगा? दूसरा बकरा फंसते ही मिलूंगा क्या? और मैं जो तेरे प्यार में फंस गई हूँ उसके बारे में क्या सोचा? देख जा, प्यार के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, समझे ना? बिल्कुल नहीं, सीधी सी बात है, मैं माँ वाली तू धंधे वाली। मैं चलता हूँ अभी। हाँ हाय, तू मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है? ब्रेक मार, ब्रेक मार, अभी तू जा, मैं चलता हूँ। अबे खुल खुल साला, बड़ा पाव खाता है साला। ए चल ना, तू क्या देख रहा है साला? मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। माफ करना भाई, माफ करना, मैं नशे में हूँ। क्या मैं नशे में हूँ? चौदवी का चांद हो या आफताब हो। क्या तुम ही जय हो? नहीं, मैं जय नहीं हूं, मैं तो उसका भूत हूं। शट अप, मैं तुमसे ये पूछने आई हूं कि आखिर मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने झूठी गवाही देकर उसे मौत की सजा दिलवा दी? देखिए मैडम, जिंदगी में हमने बहुत झूठी गवाही दी, बड़ा बड़ा लोगों को अंदर करवाया, तुम किसका बात करता है हमारी समझ में नहीं आ रहा। मैं प्रेस फोटोग्राफर उमेश की बात कर रही हूँ जो बेगुनाह और बेकसूर है। होगा बेगुनाह, होगा बेकसूर, अपने को इससे क्या है? जय को सिर्फ पैसे की झनकार सुनाई देती है, एक बार पैसा हाथ में आया तो किसी के बारे में नहीं सोचता है। और जानता क्यों नहीं सोचता है? चाहता है। बैठो मेम साहब, बैठो बैठो, हम तुमको बताते हैं, बैठो 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 बैठो। बचपन में जय का मां मर गया, किसी ने उसकी परवाह नहीं की, किसी ने उसको घर बुलाकर खाना नहीं खिलाया, बाहर बारिश पड़ता था, किसी ने यह नहीं बोला बेटा अंदर आ जाओ बीमार पड़ जाओगे, किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, किसी ने मेरी परवाह नहीं की। जब किसी ने मेरी परवाह नहीं की तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? हाँ स्टूपिड। तुम कहती हो तुम्हारे भाई के खिलाफ गवाही क्यों दी? अरे तुम्हारा भाई मरता है मर जाने दो, उसे फांसी लगती है लग जाने दो, पार में गया तो। कमीने, तुझे शराब से ज्यादा बेरहमी का नशा है, चल मेरे साथ, आज मैं तेरा सारा नशा उतार दूंगी, आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि तेरी एक झूठी गवाही ने हमारा हरा भरा घर उजाड़ दिया, चल मेरे साथ, देख देख इस बूढ़ी माँ को, नीच झूठे, इसके बुढ़ापे का सहारा छीनकर इसे जिंदा लाश बना दिया है, अब इसकी आंखों से आंसू नहीं खून टपक रहा है। सरिता, इसे यहाँ क्यों लाई हो? अब तू क्या हमारी बर्बादी का तमाशा देखने आया है? चला जा यहाँ से, चला जा। नहीं भाभी नहीं, इसे देखने दो, इसे देखने दो कि जब कयामत आती है ना तो क्या मंजर होता है। देख इन मासूम बच्चों की तरफ, अब कौन करेगा इनकी परवरिश? और इस लाचार औरत की तरफ देख जो अपने पति को फांसी लगने के बाद अपनी बेबसी और गरीबी की फांसी पर लटक कर हर रोज यूं ही तड़प तड़प कर मरती रहेगी। सोच क्या रहा है तूने? मेरे पति के साथ इंसाफ नहीं होने दिया, फिर हमें जिंदा क्यों रखा है? ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी है, मार डाल हम सबको, मार दे दे हमें, मार डाल, मार डाल। अरे तू पैसा लेकर मौत बेचता है ना, ले ये ले मंगलसूत्र, इसे बेचकर अपनी कीमत वसूल कर लेना, ले, ले।
हमेशा गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई है। आज पहली बार मैं सच्ची कसम खाता हूं। मैं तुम्हारे पति को बेगुनाह साबित करके रहूंगा, उसे कानून के चुंगल से बचा के रहूंगा, इस घर की खुशियों को वापस लाऊंगा। यह मेरा वादा रहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अंकल आप सच बोल रहे हैं, डैडी वापस आ जाएंगे? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जरूर वापस आएंगे। मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं तुम्हारे पापा की आंखें बंद होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा बंद। झूठ, झूठ से सख्त नफरत है मुझे। झूठ के बल पर गुनहगारों को बाइज्जत बरी होते हुए तो मैंने देखा है, लेकिन एक बेगुनाह को फांसी चढ़ते पहली बार देख रहा है। सिर्फ तेरी वजह से कमीने, तेरी झूठी गवाही ने उमेश को कातिल ठहराया। कातिल उमेश नहीं, कातिल तू है। तू पाप किया है तूने, और इस पाप की सजा तुझे जरूर मिलेगी। वकील साहब, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं अपनी गवाही वापस लेना चाहता हूं। अदालत का फैसला तुम्हारे ईमान की तरह नहीं है, जिसे जब चाहा बदल डाला। वकील साहब, क्या कोई और रास्ता नहीं है? हाँ, एक रास्ता है। मुझे कोर्ट में एक अपील दाखिल करनी पड़ेगी, जो अपने तरफ से कमीशन बिठाएगी, जो इस बात की तफ्तीश करेगी कि जय की गवाही पहले झूठी थी या अब झूठी है। हाँ, पर्ची दाखिल कर दीजिए वकील साहब। मैं सिर्फ सच बोलूंगा, सिर्फ सच। एडिटर बी के शर्मा के कत्ल केस की तफ्तीश के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गवाह जय कुमार ने इस अदालत में पहले जो गवाही दी थी वो सच साबित हुई, और अब जय कुमार ने किसी दबाव में आकर अपना बयान बदल दिया है, जो तहकीकाती कमीशन की नजर में झूठा और बेबुनियाद है। लिहाजा मुलजिम उमेश कुमार की सजाए मौत अब अटल है। बड़े अफसोस की बात है, जज साहब ने अपील तो नामंजूर कर दी है। ये मेरी जिंदगी का पहला केस है जो मैं हारा हूँ। जितना बेबस मैं आज हुआ हूं, उतना बेबस मैं कभी नहीं हुआ। उमेश को बचाने के सारे रास्ते बंद हो गए। एक रास्ता है वकील साहब, जिमी। जिमी कौन? उसने मुझे झूठी गवाही के लिए पैसे दिए थे, उसके जरिए हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर जिमी मिल जाए तो कुछ हो सकता है। लेकिन जिमी मिलेगा कहाँ? उसे मैं जानता हूँ, उसने मेरे हाथ के नीचे काम किया है। नहीं, उसने मेरे हाथ के नीचे काम कैसे किया होगा? उसने खूनी के हाथ के नीचे काम किया होगा। मामा, लेकिन मैं उसका घर जानता हूँ ना, मैं बताता हूँ। चलिए, हाँ जाओ जाओ, ढूंढो उसे। साला इधर तो ताला लगा है। हाँ, ताला लगा, खोलूं? चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे, ताला बनाने वाला तो अपने हाथ के नीचे काम कर चुका है। मामू। जय, अब क्या होगा? तुम हिम्मत मत हारो। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो सौ और खुल जाते। मैं तुम्हारे भाई से मिलकर सच्चाई जानना चाहता हूँ। क्या करोगे झूठी सच्चाई को सुनकर जय, जिसे तुम्हारी झूठी गवाही ने झुठला दिया? तुम्हारे एक झूठ ने मेरी जिंदगी और मौत का फैसला सुना दिया। अब कुछ नहीं हो सकता जय, कुछ नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी में सिर्फ फांसी का फंदा लिखा है। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। ये कड़वा सच है सरिता, इसे मत झुठलाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। आप हिम्मत बता रही है, मुझे बताइए कत्ल के दिन क्या हुआ था? मैं राज अखबार का फोटोग्राफर था। वहां के एडिटर बी के शर्मा ने 3 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं दी थी। इस बात को लेकर ऑफिस में मेरा उससे झगड़ा हुआ था। बाद में उसने मुझसे माफी मांगी और मेरी तनख्वाह मुझे दे दी, और उसी रात उसने मुझे कैमरा लेकर अपने घर बुलवाया। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आओ अंदर आ यार। यार उमेश, आज सुबह जो मैं तुम्हारे साथ बर्ताव किया, उसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूं। I'm sorry, यार। ये क्या कह रहे हैं सर आप? गलती तो मेरी ही थी,
मुझे आपके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। Forget it, यार। बैठो। बोलो कुछ लोगे? नो सर थैंक्स। उमेश कैमरा लाए हो? जी हाँ। गुड गुड यार, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे एक घंटे बाद किसको देने हैं, और मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स देने से पहले उनकी तस्वीर निकाल कर तुम मुझे दे दो। मिल जाएगी सर। ओके मैं डॉक्यूमेंट्स ले आता हूँ। ओके शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, इस तरह पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो इसका मतलब जिसने तुम्हें बेहोश किया वही कातिल है, और वो साले जिमी के सिवा कोई नहीं हो सकता। उस कमीने को तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। तो नहीं बोला है? लेफ्ट बोला था। ए भाई साहब, ये जिमी कहां रहता है? जिमी कहां रहता है? ऊपर। सरिता तुम यही रुको, मैं भी आता हूं। ठीक है। तूने मुझसे झूठी गवाही दिलवाई थी, उसी तरह अदालत में तुझे सच्चाई कबूल करनी होगी कि एडिटर बी के शर्मा कातल तूने किया था। रुक जाओ। गुड कनेक्शन, मुझे छोड़ दे वरना मेरा आदमी इस लड़की की गर्दन का कनेक्शन धड़ताला कर देगा। मेरी फिक्र मत करो जय, भैया की जान बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाए ना तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन इस कमीने को मत छोड़ना जय। सोच ले इस लड़की की जिंदगी प्यारी है कि नहीं। आ,
बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली जाए? क्यों सरिता, अब तक जो जिंदगी जी रहा था वो तो साली बहुत से भी बदतर थी। मेरी जिंदगी पर तुम्हारा अधिकार है जे, लेकिन ये घाव, इस घाव का इतना दर्द नहीं जितना कि दुख इस बात का है कि वो साला जिमी हमारे चुंगल से निकल गया। लेकिन सरिता तुम फिक्र मत करना, उस जिमी को मैं ढूंढ निकालूंगा, तुम्हारे भाई को फांसी से मैं बचाऊंगा, ये मेरा वादा रहा।
दीवानापन, सच कहता हूँ मैं जाने मन, बढ़ जाता है दीवानापन। जब आती हो तुम नजर के सामने, नजर के सामने, नजर के सामने, दिल धड़के कुछ कह नहीं पाऊं, कहते कहते चुप हो जाऊं। जब आते हो तुम नजर के आइए। अरे बाबा आइए ना। हमने अंकल आंटी की फोटो खींच ली। अरे तुम लोगों ने फिर डैडी के कैमरे को हाथ लगाया, चलो इधर लाओ। नहीं, तो अरे 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 क्या कर रही हो तुम, मारोगे उनको? लाओ कैमरा मुझे दो, चलो। नहीं नहीं बेटा रोते नहीं, चलो खड़े हो जाओ, चलो आओ, चलो इसे किसी करो, चलो जल्दी। चलो अब एक काम करो, तुम इसे किसी करो, चलो। ये वेरी गुड। अब एक काम करो, इधर साइड में आओ। अरे इसमें तो एक ही फोटो रहेगी, बोलो आखिरी फोटो किसकी खींचू? आंटी की। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खींचानी फोटो वोटो। अरे बाबा बच्चों का दिल मत दुखाओ, अब मान भी जाओ। नहीं, जब ये लोग मेरी बात नहीं मानते तो मैं इनकी बात क्यों मानूं? अच्छा चलो बच्चों की बात ना मानो, लेकिन मेरे दिल की बात तो मान लो। देखना सारे फोटो अच्छे आएंगे। नहीं मुझे नहीं लगता। माफ कीजिएगा, इत्तेफाक से पहली बार इतनी अच्छी प्रिंटें निकल आई है, मेरे ख्याल से आप ही ने ली होगी इनकी तस्वीरें। अरे अरे पागल ही है। अरे इतने प्यारे फोटोग्राफ में जूते कहां से आ गए? प्यार में कभी कभी जूते खाने पड़ते हैं। मैं इन जूतों की बात कर रहा हूं, ये शायद आप ही के हैं। माफ कीजिएगा, मैंने बरसों पहले जूते खाना छोड़ दिया है, मेरा मतलब है जूते पहनना छोड़ दिया है। जब मैं कह रहा हूं आपको ये किसी और की तस्वीर, आप सुनते क्यों नहीं हो? माफ कीजिएगा, मैंने आप ही के नेगेटिव से ये कॉपी निकाली है। ये देखिए, ये अगर ये तस्वीर मेरे कैमरे ने ली है तो ये जूते जरूर उस कातिल के होंगे। सोचो उमेश भैया सोचो, जब मुझ पर पीछे से हमला किया गया उस वक्त कैमरा मेरे गले में लटका हुआ था। अरे हाँ, जब मैं बेहोश होकर नीचे गिरा तो कैमरा भी मेरे साथ नीचे गिरा होगा। हो सकता है कि तभी कैमरे का स्विच ऑन हो गया हो और कातिल के जूते मेरे कैमरे में आ गए हो। जय, हमें फौरन सानी साहब से मिलना चाहिए। ये तो कमाल हो गया, वेरी गुड। इस सबूत को लाके तुमने बहुत अच्छा किया जय, लगता है कि तुम कातिल तक पहुंच जाओगे। वकील साहब मेरे भैया बच जाएंगे ना? हाँ लेकिन अभी तो कातिल के सिर्फ जूते मिले हैं, कातिल तो नहीं मिला। आप फिक्र मत कीजिए सानी साहब, आज उसकी फोटो मिली है, कल कातिल भी मिल जाएगा। Of course, I'm very sure, very sure. Good luck. अच्छा सानी साहब अपन चलता है। नमस्ते। नमस्ते। नहीं नहीं वकील साहब, आपकी इज्जत की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए। अब मैं आपको कैसे समझाऊं वकील साहब, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ लगे हैं अगर वो मेरे न्यूज़पेपर में छप जाए तो इस देश में हंगामा हो जाएगा।
इज्जत तो जाएगी ही, साथ में जेल भी हो सकती है। जानते हो तुम किसे ब्लैकमेल कर रहे हो? जानता हूं, हिंदुस्तान का मशहूर एडवोकेट और जनता का चहेता एमएलए मिस्टर एस एस साहनी, उसी की तो कीमत मांग रहा हूं। दस लाख डॉक्यूमेंट्स हवा से इधर उधर उड़ने ना पाए, इसलिए दस लाख नहीं, 25 लाख का वजन तो रखिए पेपर वेट समझकर। ठीक है, लेकिन यह राज राज ही रहना चाहिए। डोंट वरी मिस्टर साहनी, मेरे अखबार का नाम राज है, मगर उसमें आपकी राज की बातें नहीं छपेंगी। लेकिन अगर आपने होशियारी करने की कोशिश की तो फिर वो राज की बातें नहीं छुपेंगे। मुंह मांगे कीमत मिल जाए तो मैं बेईमानी भी बहुत ईमानदारी से करता हूं। आज रात 10 बजे आप पैसे लेके मेरे बंगले पे आ जाइए और डॉक्यूमेंट ले जाइए, फिनिश। तो चलूं। गुड बाय मिस्टर एस एस सानी। रात 10 बजे नहीं एडिटर बी के शर्मा, मैं तुम्हारे बंगले पे ठीक 9 बजे पहुंचूंगा। नमस्ते नमस्ते, कम इन कम इन कम। यार रमेश, आज सुबह जो मैं तुम्हारे साथ बर्ताव किया उसके लिए मैं वाकई शर्मिंदा हूं। I'm really sorry यार। ये क्या कह रहे हैं सर आप? दरअसल गलती तो मेरी ही थी, मुझे आपके साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। Forget it यार, बैठा। बोलो, कुछ लोगे? No sir, thanks। कैमरा लाए हो? जी हाँ। यार रमेश, दरअसल बात यह है कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे 1 घंटे बाद किसी को देने हैं, और मैं ये चाहता था कि वो डॉक्यूमेंट्स देने से पहले उनकी तस्वीरें निकालकर तुम मुझे दे दो। मैं डॉक्यूमेंट्स ले आता हूं। शर्मा जी, उमेश के
के हाथ में जो कैमरा था वो मुझे तोड़ देना चाहिए था। साहनी साहब, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? ये देखो मेरे जूते की तस्वीर। मैं अपना यह सबूत वहां छोड़ आया था जब मैंने एडिटर का कत्ल किया था। लेकिन यह तस्वीर का कनेक्शन आपके कातिल होने का सबूत तो नहीं देता। जिमी, बरसों से वकालत कर रहा हूं मैं, इसलिए अच्छी तरह से जानता हूं कि कत्ल के केस में मामूली सा एक सुराग भी कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है। साहनी साहब, उस रात को किसी ने आपको देखा तो नहीं था? जिस तरह मैं यह समझता रहा कि मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा, उसी तरह मैं यह भी समझता रहा कि उस रात मुझे किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन अब मुझे याद आ रहा है, एक आदमी ने देखा था मुझे। कौन था वो? कोई शरबत वाला था। कहो तो उसका कनेक्शन। नहीं नहीं, पहले यह पता लगाओ कि उसको मेरी शक्ल और हुलिया याद है या नहीं, उसी के बाद उसकी तकदीर का फैसला करेंगे हम। उसका नाम? नाम बादशाह खान। बादशाह खान शरबत वाला। हरामजादे, हम गरीब लोग मेहनत का पसीना से आटा गूंथ कर दो वक्त का रोटी बनाता है, और तुम जैसा हट्टा कट्टा हराम का खाया पिया कुत्ता हम गरीब लोगों का हलक से निवाला छीनता है। आइंदा यहां हफ्ता मांगने आया तो बर्फ के रांधे पर बर्फ की जगह तुम्हारा सर पीस कर तुम्हारा गोला बना देगा। चल भाग यहां से। आए बिरादर, चलो खोलो दुकान अपनी, आराम से धंधा करो। इधर हम चलता है, खुदा ऑफिस। चल राम प्रसाद, चल। अरे भाई साहब, एक बात बताओ, ये फरिश्ता कौन है? बादशाह खान वही वही। मैं बादशाह खान यारो, लाले की जान यारो। मैं बादशाह खान यारो, लाले की जान यारो। यारी पे कर दूंगा, यारी पे कर दूंगा खुद को कुर्बान यारो। मैं बादशाह खान यारो, लाले की जान यारो। मैं बादशाह खान यारो, लाले की जान यारो। यारी पे कर दूंगा, यारी पे कर दूंगा खुद को कुर्बान यारो। मैं बादशाह खान यारो, लाले की जान यारो। मैं बादशाह खान।
छमिया कहाँ है रे? तेरी छमिया तो कमरे में लगी हुई है, तू आना रे, चल बैठते हैं। हाँ चलो, छमिया के आने तक अंदर बैठते हैं। अबे मामू, इधर बैठने का मतलब कुछ और होता है, समझे क्या? समझ गया ना, समझ गया। तो क्या है, तूने मेरे हाथ के नीचे काम किया है ना, अगर मैंने तेरे हाथ के नीचे काम किया होता तो मुझे मालूम पड़ता ना कि किधर किसको क्या बोलते हैं, लड़की को फुलझड़ी बोलते हैं। आना रे। नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। तेरे को कौन बोलता है रे पपीते? पपीते? जो सबसे हैंडसम आदमी होता है उसे पपीते बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, चलेगा? ए, आना रे। देख, मुझे छमिया से काम है, मैं यहाँ बैठने नहीं आया। अरे छमिया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं जानती हूँ तू हमेशा रसमलाई खाता है, लेकिन आज बर्फी तो खा के देख। कसम से बोलती हूँ, मजा ना आए ना तो पैसे वापस। हलवाई की बेटी मालूम पड़ती है, अंदर मिठाई की दुकान है क्या? मामो चल ना। अरे क्या, मैं क्या गलत बोला? अरे ए ए अरे अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? खड़ा ही ठीक है। अरे मामू, तू अपन का चिकना किधर है रे? चिकना उधर नहीं, उधर नहीं, इधर अंदर गया है। अंदर? दूसरे के साथ? साला वातावरण टाइट हो गए, भाग जाना ही अच्छा है। तुमसे कुछ बात कुछ नहीं किया छमिया। छमिया अपन के बाल को कुछ छमिया अपन चीर डालेगा। छमिया मेरी बात सुनो, छमिया एक देगा कान के नीचे अभी। ए चल चल साला, तू भी कम नहीं है साला बेईमान बेवफा। अच्छा मैं बेवफा और तू यहाँ की बहुत बड़ी वफादारनी है साली? दूसरे के पास गया तो डांटती है, खुद दुनिया को बांटती है। हाँ हाँ बांटती हूँ, धंधे वाली हूँ, धंधे वाली, धंधा करती हूँ। तू धंधा करता है क्या? हाँ साला। अच्छा अच्छा मुंह बंद कर, देख सब लोग देख रहे हैं। ए तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो रे? तुम्हारी अम्मा की शादी हो रही क्या? चलो अपने अपने धंधे पे। अरे वाह साली, तेरा तो सही वर्ड चल रहा है बाप। सिर्फ इधर ही नहीं, तेरे पर भी मेरी हुकूमत चलती है। देख माना कि मैं धंधा करती हूँ, लोगों को अपना जिस्म बेचती हूँ, लेकिन दिल दिल सिर्फ तेरे को ही दिया है। और देख मैं तेरे को ना किसी की भी बाह में नहीं देख सकती। अरे हंसता क्या, जान मांग कर दी, नहीं दी तो छमिया मेरा नाम नहीं। चला बैठ। मूड है क्या? नहीं रे, देख मैं यहाँ काम से आया, ये फोटो देख, ऐसा सुनहरी जूता पहन के कोई आया था क्या? नहीं। ध्यान से देख, ऐसा जूता पहनकर कोई आदमी नहीं आया, और वैसे भी अपनी नजर जूते पर कहाँ पड़ती है उसके। बस बस, ऐसा कोई आदमी आएगा तो अपन को बताना, चलता है अपन। लो सर।
वाह, इट्स वेरी गुड खान, मजा आ गया। मजा तो आएगा साहब, ये खान ईमानदारी से शरबत बनाता है और दिल से पिलाता है। दरअसल हम अपने ग्राहक को मेहमान समझता है साहब, और मेहमान को खुश रखेगा तो खुदा हमको खुश रखेगा। खान, शरबत से मीठी तुम्हारी जुबान है और हमारी जुबान से मीठा हमारा ग्राहक है साहब। गुड कनेक्शन खान, गुड कनेक्शन खान। ये लो तुम्हारा पैसा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। सब जूता अच्छा है। अच्छा ही होंगे ना, स्पेशल बनवाता हूं। पंप में सिर्फ एक ही पीस है, वो है हमारे पास। नहीं साहब, ऐसा जूता आपने पहले भी देखा है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि उस जूते पे खून लगा हुआ है। हाँ। लगता है उस जूते के साथ तुम्हारी याददाश्त का कनेक्शन अभी तक जुड़ा हुआ है। तुम उस आदमी को जानते हो? नहीं साहब, जानता तो नहीं, मगर चेहरा बराबर याद है। ये खान जिसको भी एक बार देख लेना साहब, उसको हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता है, और उस आदमी का चेहरा आज भी हमारी नजर के सामने घूम रहा है। इला साहब, पहले बेकरारी का आलम
नहीं था, इतना हसी ये मौसम नहीं था। साहनी साहब, आपका शक ठीक निकला। उस शरबत वाले को आप और आपके जूते दोनों अच्छी तरह याद है। तो फिर वो अभी तक जिंदा क्यों है? ठीक है साहनी साहब, उसकी जिंदगी का कनेक्शन कटवा देते हैं। क्या बात है बिरादर, ये हमारा रास्ता कहीं रुका? प्यास लगी है, शरबत पिलाओ। भाई शरबत तो नहीं मिलेगा इस वक्त, और बर्फ भी खत्म है। फिर इसको क्यों रखा है, इसको भी खत्म कर दो। ये क्या करता है? गाड़ी तोड़ रहे, समझा? एक आदमी को चार आदमी मार रहे हैं, गलत बात। तू रुक रहे, दो चार को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। कौन है लोग? ये लोग कौन है तो हम नहीं जानता,
पर मैं एक बात जान गया है, तुम एक फरिश्ता है फरिश्ता। ऊपर वाले ने तुमको हमारा जान बचाने के वास्ते भेजा है। तुम्हारा यह एहसान हमारे पे कर्ज है दोस्त। कर्ज? कर्ज तो हमारे ऊपर है किसी और की जिंदगी का। हमने तुम्हारी जिंदगी बचाकर उस कर्ज के बोझ से हल्का हो रहे थे। हमारा नाम बादशाह खान। जय बिरादर, तुम दोस्ती के लायक है। कल हमारा घर में आओ, हमारा बच्चा अहमद का सालगिरह है। तुम आएगा ना, हमको बहुत खुशी होगा। जरूर आएगा। ऐसा बच्चा लोग को आज हर एक रंग का खट्टा मीठा शरबत, केक, वेफर, चॉकलेट सबको मिलना। अच्छा, सबको दूंगा। एक भी बच्चा रह गया तो हम तुमको मुर्गा बना देगा। खान साहब, अरे खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। अरे बिरादर, तुम हमारा गरीब खाना में आया, हमारा दिल खुश हो गया, खुश हो गया हमारा दिल। आओ आओ। खान साहब, इसमें से आप उनका अहमद कहाँ है? ये सब बच्चा लोग हमारा अहमद है। इन सब बच्चा लोग भी हम अपने अहमद को थोड़ा थोड़ा देखता है, थोड़ा थोड़ा देखता है। क्या मतलब? क्या अपन का अहमद? नहीं, हमारा अहमद कश्मीर में, अपना वतन में, तुम्हारा भाभी के पास। तो फिर भाभी और अहमद को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? क्या हुआ? हाँ, जब हमारा अहमद पैदा हुआ था ना बिरादर, तो हम उसका सर का कसम खाया था कि हम अपने अहमद को एक दिन बड़ा आदमी बनाएगा, बहुत बड़ा आदमी। इसलिए हम अपनी बीवी का जेवर बेच कर बंबई आया पैसा कमाने के वास्ते। पन तुम तो जानता है ना अपने बंबई को। यह एक कमीना आदमी हमको मिला, हमको दुबई भेजने का लालच देकर हमारा सारा पैसा, हमारा सारा जेवर लेकर भाग गया। 5 साल से हम यहां पर शरबत बेचकर पैसा कमा रहा है, लेकिन शरबत बेचकर कितना पैसा कमाएगा? इतना पैसा तो नहीं कमा सकते कि हम अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनावे, अपनी बीवी का जेवर वापस बनवा ले। इसलिए हम अपने कश्मीर भी वापस नहीं जा सकता बिरादर। कौन सा मुंह लेकर जाएगा? क्या मुंह अपने बच्चे को दिखलाएगा? इसलिए हम अपने अहमद के जन्मदिन पर यहां पर सब बच्चे लोग को बुलाकर उसका जन्मदिन मनाता है, उनको खिलाता है, पिलाता है, उनका दिल खुश करता है। पर अपन का दिल रोता है बिरादर, अपन का दिल रोता है। खान साहब, ये सारा चक्कर है ना, सब उस ऊपर वाले का है। लेकिन हाँ, एक बात है, उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। तुम कश्मीर जरूर जाएगा, तुम्हारा अहमद बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। अपन बोलता है। जय, जितनी जल्दी हो सके जिमी को ढूंढ निकालो, उसका मिलना बहुत जरूरी है। मुझे कानून के माथे पे लगा हुआ नाइंसाफी का दाग मिटाना है और तुम्हें एक बेगुनाह को फांसी के फंदे से बचाना है। वकील साहब, मैं उसी कोशिश में। जय, 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 नमस्ते वकील साहब। जय, जिमी का पता चल गया। कहाँ? वो छमिया के यहाँ लाल बंगले पर। मैंने उसको बोल के रखा है कि जय के आने तक उसको रोक के रखना। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं सरिता, तुम्हारा आ जाना ठीक नहीं है। मामू, तू उसे घर ले जा। ठीक है। वकील साहब, अब जिमी मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं उसे लेकर आता हूँ। जिमी। हमारे देखे जानी कमर देखे
देने के लिए पैसे तूने दिए थे, उस केस का कातिल तू है। नहीं, बीके शर्मा का खून तूने किया है। नहीं, मैं किसी का खून नहीं किया। तू झूठ बोलता है। छोड़, छोड़, किसने किया? मेरे मुकद्दर में लिखे फांसी के फंदे को नहीं बदल सकते। इसे इसे अपनी बदकिस्मती समझ के भूल जाओ। अब तुम दोनों को जिंदगी का एक कठिन सफर मेरे बगैर हंसते हंसते काटना होगा, अपने बच्चों के खातिर, उनका ख्याल रखना। चमिया, क्या बात है, आज कुछ परेशान नजर आ रही हो। हाँ काकी, वो अपना चिकना है ना, बहुत परेशान रहता है, वो एक खूनी के चक्कर में। हाँ, जिम्मी तो ऊपर चला गया, क्या कर सकते हैं। मैं चिकने की मदद करना चाहती हूँ, तुम मुझे जिम्मी के बारे में और क्या बता सकती हो। मैं क्या बताऊँ, तू तो उसके साथ कई बार बाहर जा चुकी है, मुझसे ज्यादा तो तू उसे जानती थी। पता नहीं वो तुझे कहाँ कहाँ लेकर जाता था। मुझे वो अपने घर ले जाया करता था, घर के सिवा शायद शायद उसके घर से ही कुछ मिल जाए। सुनहरे जूते वाला कौन है? हाँ मैं हूँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा वकील, जो इंसाफ को जिंदा रखने के लिए अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन उमेश की जिंदगी नहीं लौटा सकता। जिमी ही उम्मीद का एक आखिरी उजाला था, लेकिन अब सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। वकील साहब, जिमी के कत्ल से एक बात साबित होती है,
कि असली कातिल जिमी नहीं कोई और है, वरना उसे कैसे मालूम पड़ता कि हम जिमी को मिलने वाले। शायद वो कातिल हमारी नजर के सामने। हेलो हेलो, मैं छमिया बोल रही हूँ, मेरे को जैसे बात करनी है। छमिया, जैसे बात करनी है? हाँ, जय तुम्हारा फोन। हाँ छमिया बोल। सुन चिकने, असली कातिल का पता चल गया है। मुझे जिमी के कमरे से एक तस्वीर मिली है जिसपे वो सुनहरे जूते वाले के साथ खड़ा है। हाँ? तू इसे बैंक से आजा, मैं तेरे को उधर ही मिलती हूँ। हाँ हाँ, तू उधर ही रुक, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके। वकील साहब, असली कातिल का पता चल गया, छमिया को जिमी के साथ वो सुनहरे जूते वाले की तस्वीर मिल गई और मैं उसे मिलने बैंक से जा रहा हूँ। ओके वकील साहब। छमिया, जान सबूत को तो जला डाला आपने, मगर उस जीते जागते सबूत के बारे में क्या सोचा है आपने, जिसका नाम है बादशाह खान, और दूसरी तरफ असली कातिल को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए जय जी जान से कोशिश कर रहा है। बादशाह खान शरबत बेचकर लोगों की प्यास बुझाता है, लेकिन अगर वो खुद जय के खून का प्यासा हो जाए तो इससे क्या होगा? जय की मौत और बादशाह खान को सजाए मौत। सहानी साहब, बादशाह खान अपनी जान दे सकता है, मगर किसी की जान ले नहीं सकता। सच्चाई, ईमानदारी और आदर्श का दूसरा नाम है बादशाह खान। सच्चाई, ईमानदारी और आदर्श चाहे कितने भी ताकतवर हों, इंसान की कमजोरियों के आगे कमजोर पड़ जाते हैं नायक, और हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। हमें ऐसी ही किसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। पता लगाओ कि बादशाह खान की कमजोरी क्या है। उठाओ ये रुपया और चले जाओ यहां से। तुमको क्या हम कोई खूनी या कातिल नजर आता है जो रुपया लेकर यहां चला आया हमसे किसी का खून करवाने?
अरे खान ने जिंदगी में सिर्फ सेब काटा है, सेठ सेब, किसी का गर्दन नहीं। सोच लो खान, तुम्हारे अहमद को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाने के लिए ये 5 लाख रुपए बहुत काम आएंगे। किसी का जिंदगी छीनकर हम अपनी औलाद का जिंदगी नहीं बनाएगा। किसी का खुशी में आग लगाकर हम अपने घर में चिराग नहीं जलाएगा। ए सेठ, तुम चुपचाप यहां से चला जाओ, चुपचाप चला जाओ। हम घर आए हुए मेहमान पर हाथ नहीं उठाता। जाओ यहां से। ठीक है, मैं चला जाता हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। यह शरबत बेच बेच के 5 साल में कितना कमाया तुमने? अरे इस तरह तो 5 जन्मों में भी तुम्हारा ख्वाब पूरा नहीं होगा। ईमानदारी की चादर बहुत छोटी होती है खान, और आदमी के अरमानों के पैर बहुत लंबे। अगर तुम्हें अपने अरमान पूरे करने हैं तो बस यही एक रास्ता है, बस एक आदमी का खून करना है। बात जरा सी है। बात तुम्हारे लिए जरा सी है, क्योंकि तुम्हारा जिस्म में खून नहीं पानी दौड़ता है, पानी। तुम बहुत बेरहम आदमी है सेठ, बेरहम। हाँ, हाँ, मैं सिर्फ अकेला नहीं, ये सारी दुनिया बेरहम है। तुम्हारे मोहल्ले में वो जवान औरत रहती है रोजी, 6 महीने पहले उसका पति मर गया और आज उसका बच्चा सड़कों पे भीख मांग रहा है, और वो औरत अपना पेट भरने के लिए अपना जिस्म बेचती है। क्यों? क्योंकि उसका पति उसके लिए कुछ नहीं छोड़ गया था। वो भी तुम्हारे जैसा ईमानदार था खान। ओए बकवास बंद कर, बहुत सुन लिया हमने तुमको। और सुनो खान, अगर उस आदमी की तरह तुम भी मर गया तो क्या होगा? तुम्हारा बेटा भीख मांगेगा और तुम्हारी पत्नी? हम तुम्हारा गला दबा देगा। मेरे गले दबाने से तुम सच्चाई को नहीं दबा सकते हो खान, गरीबी एक गाली है। मेरी बात मानो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तुम्हें सिर्फ एक खून करना है और तुम 5 लाख रुपए के मालिक बन जाओगे। 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है खान। सोचो सोचो खान, तुम्हारा अहमद तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ होगी। अहमद पढ़ा बन के, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा। तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सामने वाली कोठी में रहता है, इस वक्त वो नशे में धुत होगा, तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। जाओ।
प्लीज। कलबे खान भाई, तुम यहां? क्या बात है खान भाई? हमको माफ कर दो बिरादर, हमको माफ कर दो। ऐ पाक परवरदिगार, थोड़ा देर का वास्ते हमारा ईमान डगमगा गया था। हम तुम्हारा उसी बंदे को मारने के लिए यहां आया जिसको तुमने हमारा जान बचाने का वास्ते फरिश्ता बनाकर भेजा। वो खबीस का औलाद तुमको मारने के लिए हमको पैसा दिया मालूम? तुम भी अपने को मारना चाहता है? एक तो वो सुनहरे जूते वाला पीछे पड़ा हुआ है। सुनहरी जूता? हाँ, जिसके जूते पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। सुनहरी जूता, खून का धब्बा, ऐसा आदमी को तो हमने देखा है। क्या बात करता है खान, तुमने उसको देखा? कौन है खान, कौन है? अब वो कौन है ये तो हम नहीं जानता बिरादर, अगर हम अगर उसको एक बार देखेंगे ना तो जरूर पहचान जाएगा। मगर वो बिरादर तुमको मारना क्यों चाहता है? मैंने एक बेगुनाह इंसान के खिलाफ झूठी गवाही दी थी, दो दिन बाद उसे फांसी की सजा होने वाली है, जबकि वो खून भी साला उस सुनहरे जूते वाले ने किया था। उसे ढूंढ निकालने में तू मेरी मदद करेगा खान? ऐसा छोटा बात करता है बिरादर तुम? मदद? अरे हमारा जान मांगो तुम, जान। जब से तुमने हमारा जान बचाया है इस जान पर हमारा हक नहीं है बिरादर, तुम्हारा हक है। लगता है खुदा ने तुम्हारे इस एहसान का कर्ज उतारने के लिए ही हमको इधर भेजा है। खान तुम्हारा मदद करेगा, ये खान का वादा है। क्या है? तकदीर हमारे साथ नहीं, उस सुनहरी जूते वाले के साथ है। ओए अपना दिल छोटा मत कर बिरादर, दिल छोटा मत कर। जब तदबीर से तकदीर न बदले तो उसकी बारगाह में किया गया दुआ ही हमारा काम कर सकता है। वो पाक परवरदिगार बड़ा ही रहीम है, वो अपने बंदों को कभी कभी मायूस नहीं करता। और मैं किसे दुआ मांगू? मेरे को तो मालूम ही नहीं मेरा धर्म क्या है। बस इतना ही मालूम है कि जब मैं छोटा था तब कोई मुझे मदर मेरी के पास छोड़कर चला गया था। मैं ऐसा करता हूं, मैं मदर मेरी के पास चला जाता हूं। ठीक है, मैं मस्जिद जाता हूं। मैं मंदिर जाती हूं। मदर मेरी, मंदिर, मस्जिद, अपने लिए तो ये पौवा ही भगवान है।
अरे साहब आपके पास जरूर मिलेगा साहब, ये 100 रुपए का छुट्टा दे दीजिए। वो ग्राहक आजकल जिसको भी देखो 100 रुपए का नोट लेके चलाता है। साहब देखिए ये बादशाह का शरबत वाला बहुत दुआ देगा आपको, अब ये नोट आपको प्लीज सर। आदाब साहब आदाब, हम तो उस खबीज का पीछे पीछे यहां चला आया, हमको क्या मालूम था कि तुम्हारे से मुलाकात हो जाएगी। बहुत भटका साहब, बहुत भटका तुमको मिलने के वास्ते, बहुत भटका। तुम इधर खून करके आराम से बैठा हुआ है और उधर वो बेकसूर उमेश को फांसी होने वाला है। और अब तुम्हारा भी यहां से बचकर जाना नामुमकिन होगा बादशाह खान। मेरे ऑफिस के ठीक नीचे एक नाला बहता है जिसके जरिए तुम्हारी लाश सीधा समुंदर की खाड़ी में जाकर निकलेगी। अफसोस बादशाह खान कि तुम्हारी लाश को कांधा देने के लिए 4 आदमी भी नसीब नहीं होंगे। साबो जंजीर से बंधा हुआ कुत्ता तो देखा होगा आप लोगों ने, वो भौंकता बहुत है, काटने का भी बहुत कोशिश करता है, मगर उससे होता हुआ था कुछ भी नहीं। तुम दोनों का भी वही हालत कर दिया है मैंने। तुम लोग क्या बादशाह खान को बेवकूफ समझता है क्या? हैं? बेवकूफ समझता है? उधर जाकर खिड़की के बाहर जाकर जरा देखो 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 जरा, अपन लोग का भाई लोग सब खड़ा है उधर। अगर 10 मिनट के अंदर हम नीचे नहीं गया ना तो वो सब पुलिस को लेकर ऊपर आ जाएगा। देखो देखो चुप क्यों हो गया तुम लोग? चलाओ गोली चलाओ। तुम्हारा इरादा क्या है? इरादा बहुत सीधा साधा है साहब। तुम एक सौदा किया जय को मारने का, अब हम सौदा करेगा तुमको बचाने का। कितना चाहिए? कश्मीर वापस जाने का 1 टिकट और 20 लाख। 25 लाख दूंगा। ये 5 लाख किस खुशी में साहब? जय के लिए, मुझे जय चाहिए। मिलेगा साहब, मिल जाएगा, मगर पहले जैसा धोखा मत करना वरना। डोंट वरी खान, आज रात 11 बजे जय को खंडाला के गोदाम में लेकर आ जाना, रुपया और टिकट तुम्हें वहीं मिलेंगे, याद रखना 11 बजे। ठीक है साहब, चलता है। ओए साहब ये बंदूक अपनी जेब में रखो, खुदकुशी करने के काम में आएगा। ये वहां पहुंचेगा 11 बजे और हम वहां पहुंचेंगे ठीक 10 बजे। 11 बजने वाले हैं, खान जय को लेकर आता ही होगा, तुम सब तैयारी में रहना। ओके खान भाई, ये तुम मुझे कहां ले आए हो? फिक्र मत करो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। ये जगह कौन सी है? सानी साहब आप और यहां हैरान हो गए ना मुझे देखकर जय? शाबाश बादशाह खान, शाबाश। सानी साहब शिकार हाजिर है, माल निकालिए। शिकार? कौन सा शिकार? जय मुझसे तुम्हारी हैरानी और परेशानी नहीं देखी जा रही, चलो तुम्हारी नजर के सामने से पर्दा हटा ही देते हैं। एडिटर शर्मा का कातिल वो सुनहरी जूते वाला आदमी, दूसरा और कोई नहीं, मैं हूं। छमिया और जिमी का खून भी मैंने ही करवाया था। बादशाह खान मुझे पहचान गया था, इसलिए मैंने इसके साथ एक सौदा किया, और सौदा यह था कि ये अपना मुंह बंद रखेगा, तुझे मेरे हवाले करेगा और अपनी कीमत लेकर हमेशा के लिए शहर छोड़कर चला जाएगा। खान भाई,
ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने जो कुछ सुना बिल्कुल ठीक सुना। तुम इतने छोटे हो सकते हो बादशाह खान, मैं कभी सोच नहीं सकता था। पैसा बहुत बड़ी चीज होती है बिरादर, उसे कमाने के लिए आदमी को कभी कभी छोटा भी होना पड़ता है। साले, भाई बोलकर पीठ पे वार करता है, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। जिंदा बचेगा तब ना। ए, आपस में लड़ने से पहले इतना जान लो कि अगर तुम में से कोई जिंदा बच भी गया तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहा है सानी सेठ? तुमको जय मांगता था, हमने जय लाके दिया। हम बंबई हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार है, फिर भी तुम हमको मारने की बात करता है? हाँ, क्योंकि तुम जैसे ब्लैकमेलर से मुझे सख्त नफरत है। राज अखबार के एडिटर ने भी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ लग गए थे। अगर वो अखबार में छप जाते तो शहर का जाना माना वकील, जनता का चाहता एमएलए संग्राम सिंह सहानी विदेशी हथियार सप्लाई करने के जुर्म में, ड्रग्स की स्मगलिंग करने के जुर्म में जेल की किसी कोठरी में चक्की पीस रहा होता। चंद घंटों बाद उमेश को फांसी हो जाएगी और उसके साथ साथ एडिटर के मर्डर की भी फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। संग्राम सिंह के बारे में कौन जानता है? सिर्फ तुम दोनों। तुम्हारा काम भी तमाम हो जाएगा। सानी साहब, आपने एक ताली बजाई, हमने आपका कमाल देखा, और अब हम एक ताली बजाएंगे, आप हमारा कमाल देखना। कोई अपनी जगह से हिलना नहीं, अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो वरना सहानी का भेजा फ्राई कर दूंगा। बड़े बड़े निशानची मेरे ही हाथ के नीचे काम कर चुके हैं, समझे नहीं समझे? वो खान साहब इनको जरा समझा देना। वो क्या है सानी साहब, कि तुम्हारे ऑफिस में हम तुमको झूठ बोला था कि हम जय को तुम्हारे हवाला करके बंबई छोड़कर चला जाएगा। हमारे पास तुम्हारा जुर्म का कोई सबूत नहीं था ना। तुम हमको इधर 11 बजे बुलाया और हम 9 बजे आ गया इधर और सब फिट कर दिया। तुम अपना जुबान से अपना सारा गुनाह कबूल किया, उधर मामू ने वीडियो रिकॉर्डर में सब कुछ भर दिया। सानी साहब, उमेश को फांसी नहीं होगी, इस कैसेट के जरिए तुम्हें फांसी होगी। यह खेल इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो जय। फेंक दो अपनी बंदूक वरना तुम्हारा साथी मुझसे नहीं बचेगा। वेल डन मैक, वेल डन। क्या फर्क पड़ता है रे, हैं? क्या फर्क पड़ता है? साला आखी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर भी स्वर्ग में झोपड़ा लेकर रहने को दिल करता है। उमेश और उसके परिवार के लिए मरकर इतना तो पुण्य कमा लूं। जय, तू मेरी खोपड़ी की फिक्र मत कर, तू सहानी की खोपड़ी पे नजर रख। ले जा उसको घसीट कर जेल तक और उमेश को हटाकर इसे फांसी पर लटका दे। देख सहानी, इस वक्त हम तीनों को अपना जान का परवाह नहीं, हम मरकर भी अपना काम पूरा करके जाएगा, इसलिए भलाई इसी में है कि पुलिस के पास चलकर सारी बातें सच सच बता दे। सच को झूठ बनाने वाला सहानी पुलिस को सच बता दे? इम्पॉसिबल। अरे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना अपने को अच्छी तरह से आता है। Thank you.
का औलाद। ये हमारे साथ गवाही देने चलेगा। गवाही देने? उमेश को फांसी लगने में सिर्फ एक घंटा बाकी है। यहां से सेंट्रल जेल तक पहुंचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हार गए तुम लोग। चल चल चल। ऊपर वाले का चमत्कार है जेलर साहब, एक बेगुनाह को बचाने के लिए इस गुनेगार को सही वक्त पर यहां भेज दिया। साहब यही है वो कमीना जिसे असल में फांसी के तख्ते पर होना चाहिए था। बोल, कर गुनाह कबूल अपना। जेलर साहब, मैं अपना गुनाह कबूल करता। मैंने ही एडिटर बी के शर्मा का खून किया है और मैंने ही उमेश को फंसाया ताकि इसे फांसी हो जाए और ये केस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन तकदीर के लिखे के आगे कौन लड़ सकता है जेलर साहब? गुनहगार हूं मैं, मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। जेलर साहब, मुझे सजा मिलनी चाहिए। पहनाइए मुझे हथकड़ी। फिकर मत करो, तुम उमेश को जाकर बचाओ। जाओ जाओ जाओ।
इंसान गुनाह करके दुनिया की नजरों से कितना भी छिपता फिरे, मगर वो हर लम्हा खुदा की नजर के सामने होता है। ओ दिल धड़के कुछ कह नहीं पाओ, कहते कहते चुप हो जाओ। जब आती हो तुम नजर